नमस्कार दोस्तों, साल 2019 समाप्ति की ओर है। इस साल कई ऐसे विवाद रहे जो पूरे साल चर्चा का विषय रहे हैं। आज हम भी आपको अपने इस खास वीडियो में साल 2019 के पांच उन विवादों के बारे में बताने वाले हैं जिनको लेकर खूब बात की गई है। विश्व कप 2019 के फाइनल मुकाबले को इंग्लैंड की टीम ने जीत लिया था और पहली बार विश्व कप की विजेता बन गई थी। इस मैच में पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 241 रन बनाए थे और इंग्लैंड की टीम भी 241 रन ही बना पाई थी। मैच टाई होकर सुपर ओवर में गया, लेकिन सुपर ओवर में भी दोनों टीमें 15-15 रन ही बना पाई। सुपर ओवर में इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने बेन स्टॉक्स और जोस बटलर आए थे, वहीं न्यूजीलैंड के लिए गेंदबाजी करने ट्रेंट बोल्ट आए थे। इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों ने सुपर ओवर में 15 रन बनाए। सुपर ओवर में इंग्लैंड के लिए जहां गेंदबाजी जो फ्रा आर्चर ने की, वहीं न्यूजीलैंड के लिए बल्लेबाजी करने मार्टिन गुप्तिल और जिमी निशम आए थे। न्यूजीलैंड की टीम भी सुपर ओवर में 15 रन ही बना पाई। इंग्लैंड की टीम ने इस मैच में सुपर ओवर को मिलाकर कुल 26 बाउंड्री लगाई थी, वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने 17 बाउंड्री लगाई थी। इसलिए सुपर ओवर में भी मैच टाई होने के बाद इंग्लैंड को ज्यादा बाउंड्री लगाने के आधार पर मैच का विजेता घोषित किया गया। आईसीसी के बाउंड्री के आधार पर इंग्लैंड को जीत देने का जमकर विरोध हुआ था और क्रिकेट प्रशंसकों व क्रिकेट जानकारों ने आईसीसी के इस नियम पर कई सवाल उठाए थे। आईसीसी ने अपने कड़े विरोध के बाद बाउंड्री से विजेता घोषित करने वाले नियम को रद्द कर दिया है। अब सुपर ओवर में अगर दोनों टीमों की बाउंड्री बराबर होती है तो मैच को टाई ही माना जाएगा। हालांकि सुपर ओवर रहेगा, लेकिन सुपर ओवर में मैच अगर टाई होता है तो मैच को टाई ही माना जाएगा। अब टीमों की बाउंड्री नहीं देखी जाएगी। आईपीएल 2019 में किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मैच के दौरान अश्विन ने नॉन स्ट्राइक रन पर खड़े बल्लेबाज जोस बटलर को मांगफेडिंग नियम से आउट कर दिया था। जोस बटलर क्रीज से हल्का सा बाहर निकल गए थे, तभी अश्विन ने गेंद डालने से पहले ही नॉन स्ट्राइक रन की गिल्लियां बिखेर दी और अंपायर से आउट की अपील भी की। यह फैसला तीसरे अंपायर के पास गया और तीसरे अंपायर ने इसे आउट करार दिया था। अश्विन द्वारा की गई इस हरकत पर जमकर बवाल मचा था। क्रिकेट के कुछ जानकारों ने इसे सही बताया था, वहीं कई क्रिकेट एक्सपर्ट ने इसे गलत बताया था। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2019 का 25वें मैच के दौरान जब चेन्नई को जीत के लिए 3 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी, उस समय गेंदबाज बेन स्टॉक्स ने नो बॉल डाली जिसे अंपायर ने नो बॉल करार भी दिया, लेकिन लेग अंपायर के मना करने पर अंपायर ने अपना फैसला बदल दिया, जिसके बाद डगआउट में बैठे धोनी गुस्से से लाल पीले होकर मैदान पर उतर आए और अंपायरों से बहसबाजी करने लगे। धोनी अंपायर के इस फैसले से खुश नहीं थे। महेंद्र सिंह धोनी जैसे शांत कप्तान का मैदान पर आना भी चर्चा का विषय रहा था। कुछ लोगों ने इसे सही बताया था, वहीं कुछ लोगों ने इसे बहुत गलत माना था। इसी साल अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को मैच फिक्सिंग के एक पुराने मामले में 2 साल के लिए आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया था। शाकिब पर आरोप लगे थे कि उन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ जनवरी में खेली गई त्रिकोणीय सीरीज 2018 और आईपीएल 2018 के दौरान उनसे सट्टेबाजों से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई को इससे अवगत नहीं कराया था। शाकिब अल हसन का बैन होना भी इस साल विश्व क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी खबर रहा है। उन्हें आईसीसी ने अपनी रैंकिंग से भी सस्पेंड किया हुआ है। भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने अंबाती राय अड्डू को विश्व कप 2019 में नजरअंदाज किया था। शिखर धवन के विश्व कप से बाहर होने के बाद उम्मीद थी कि अंबाती राय अड्डू को बुलावा आएगा, लेकिन चयनकर्ताओं ने युवा ऋषभ पंत पर भरोसा दिखाया। वहीं जब विजय शंकर चोटिल होकर बाहर हुए थे तो मयंक अग्रवाल को बुला लिया गया, लेकिन अंबाती राय अड्डू को मौका नहीं दिया गया। अंबाती राय अड्डू को पिछले 2 साल से भारतीय टीम नंबर 4 पर मौका दे रहे थे और उनका प्रदर्शन भी अच्छा था, लेकिन जब विश्व कप में लेकर जाने की बात आई तो चयनकर्ताओं ने उन्हें नहीं चुना। उनके स्थान पर चुने गए विजय शंकर को लेकर चयनकर्ताओं ने कहा था कि वह 3D खिलाड़ी है। बता दें कि अंबाती राय अड्डू ने विश्व कप में चयन न होने पर एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने विजय शंकर को टारगेट करते हुए लिखा था कि मैंने विश्व कप देखने के लिए 3D चश्मा मंगाया है। उनका यह ट्वीट काफी चर्चा का विषय इस साल बना था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपके हिसाब से इस साल का सबसे बड़ा विवाद क्या था, इस पर कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और क्रिकेट जगत के हर ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए क्रिक 7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।